हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में चार कंपनियों के रिजल्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। एक्चुअली बैंक से रिलेटेड बात करने वाला है और एक हाउसिंग कंपनी है जिसके कल रिजल्ट आए थे, मैं बना नहीं पाया था वीडियो। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और हमारी कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी तरीके की नहीं होती, हम बस आपको नॉलेज पर्पज से ही ये वीडियो बनाते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी खुद की स्टडी करके ही आप कोई भी डिसीजन ले। एज वेल एज अभी अगर बात करें तो यहाँ पर डैन नेटवर्क, हैथवे केबल, रिलायंस जियो की कंपनी है, तो इसमें कुछ ट्रेमेंडस चेंज हुए हैं। 23 रुपए का डेट फ्री स्टॉक है दोनों के दोनों, तो अगर बात करें तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। बाकी एक कोविड वैक्सीन के जो कंटेनर बनाने का ऑर्डर मिला दो कंपनियों को, तो उसकी तरफ भी आप नजरें बना सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाकी आप हेल्प करना चाहते हैं किसी की तो अराउंड यहाँ पर लिंक है पीएम केयर फंड, और आपके आसपास की भी आप लोगों की हेल्प करिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एचडीएफसी लिमिटेड, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के कल रिजल्ट आए थे, हम बात कर नहीं पाए थे, तो बात करें तो अच्छे रिजल्ट आते हुए नजर आए हैं। 2300 रुपये का यहाँ पर इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड देते हुए कंपनी नजर आई है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इसके रिजल्ट देख लेते हैं एक बार फटाफट, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन करोड्स में रिजल्ट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये इस बार के रिजल्ट है, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है, लास्ट ईयर के Q4 के रिजल्ट है। अगर हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल इनकम की, तो यहाँ पर आप देखिए 11,707 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नजर आई है। अभी अगर बात करें लास्ट क्वार्टर में 11,716 थी, उससे पहले 11,981 करोड़ रुपये का यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नजर आई है। देखिए ईयरली वाइज गिरावट है, क्वार्टरली वाइज भी गिरावट है। ओके, फिर कह सकते हैं कि तीनों बार ही फ्लैट रिजल्ट आए हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इस बात को आपको ध्यान में देना होगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए इंटरेस्ट इनकम ही इनकी मेन होती है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र नहीं आया, और बल्कि कमी होता हुआ नज़र आया है। ओके, तो बट कह रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट आया, बहुत अच्छे, तो इतना भी एक नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी डिविडेंड इनकम इस बार ज़्यादा आई है इनके पास। ओके, यहाँ पर अलग अलग फी एंड कंपनसेशन इनकम्स, नेट गेन, और तो ये अलग अलग इनकम इनके पास आती हुई नज़र आई है। इस वजह से यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, बाकी फ्लैट है। बाकी एक चीज़ इन्होंने अच्छी करी है, एक्सपेंस, शायद इन्होंने एक्सपेंस अपने कम करते हुए नजर आए। टोटल एक्सपेंस की बात करें 7,783 करोड़ के एक्सपेंस है, इससे पहले 63 करोड़ के एक्सपेंस है, और बात करें उससे पहले 9,290 करोड़ के आसपास के एक्सपेंस थे। तो एक्सपेंसेस ईयरली और क्वार्टरली दोनों वाइज यहाँ पर कम करती हुई नजर आई है कंपनी ने। बस इसी यही एक मेन रीज़न है कि इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये अच्छी बात भी लगी मुझे कि इतनी बड़ी कंपनी एक्सपेंस पे अगर अपने आप को कम कर देती है, एक्सपेंस कम कर देती है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 3,180 के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। और अगर बात करें यहाँ पर इससे पहले क्वार्टर में 2,925 था, और अगर Q4 की लास्ट ईयर की बात करें 2,232 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। बस इसी चीज़ का इफेक्ट यहाँ पर होता हुआ नज़र आया है एक्सपेंसिस की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट की रेशियो बात करें क्वार्टरली और ईयरली वाइज अच्छा खासा प्रॉफिट पर जनरेट हुआ है। इसी वजह से ईपीएस 17 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 16 का था, इससे पहले अगर बात करें तो 12 रुपए का ईपीएस था। बाकी यहां पर डिविडेंड कंपनी ने 23 रुपए का दिया है। तो आप इस कंपनी एचडीएफसी है, ऑब्वियसली बात है बहुत निफ्टी 50 की जान है ये कंपनी, तो आप इसकी तरफ हमेशा ही बना के रख सकते हैं। रिजल्ट भी ख़राब भी आए होते तब भी के लोग कहते, क्योंकि हाउसिंग डेवलपमेंट में सबसे बड़ी कंपनी यही नज़र आती है। इसके अलावा बात करते हैं सी एस बी बैंक के रिज़ल्ट आते हुए नज़र आए हैं आज की डेट में। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की, तो यहाँ पर इस बार के रिज़ल्ट है वही इन लैक्स में यहाँ पर रिज़ल्ट है, सेम पैटर्न है। तो अगर बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की, इंटरेस्ट अर्न, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,097 लाख रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर हुआ है। इस बार उससे पहले 497 है, इन 482, और उससे पहले बात करें 388। तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर इनकी बढ़ती हुई नज़र आई है। और अगर टोटल इनकम बात करते हैं 609 लाख रुपीज़, इससे पहले 599 था, और उससे पहले 475। तो ईयरली और क्वार्टरली वाइज यहाँ पर इनका टोटल इनकम बढ़ती हुई नज़र आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो एक्सपेंस की भी बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पर 480 करोड़ लाख रुपीज़ यहाँ पर खर्च होते हुए नजर आए हैं। इससे पहले 416, इससे पहले
368। तो यहीं पर ही कंपनी मात खा जाती है कि एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, एक्सपेंस बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इनका खर्चा फिर प्रॉफिट में यहाँ पर तब्दीली चेंज होता हुआ नज़र आता है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 42 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ नज़र आया है। इससे पहले 53 था और इससे पहले की बात करें तो 59 लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर माइनस में यहाँ पर नज़र आया था, लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर प्रॉफिट। तो यहाँ पर ईयरली वाइज अच्छा है बट क्वार्टरली वाइज बात करें तो यहाँ पर गिरावट है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस। तो ज़्यादा कुछ खास इनके रिजल्ट नहीं है ओके, और हम छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सलाह देते भी नहीं है। तो आपको हमेशा बड़ी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करते NPA, क्योंकि देखिए ग्रॉस NPS की बात करें तो अभी 2.68% की NPA, इससे पहले 1.77 और उससे पहले की बात करें 3.54। तो देखिए ईयरली वाइज NPA कम हुए नज़र आए हैं बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर NPA में थोड़ी बहुत चेंजेस होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोविड की सिचुएशन है तो सारे के सारे जितने भी बैंक्स हो गए यहाँ पर NPS मोस्टली के बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर परसेंटेज ऑफ यहाँ पर बात करते हैं नेट NPA की तो यहाँ पर देखिए 1.17% है। अगर बात करें ईयरली बेसिस पे यहाँ पर लगभग फ्लैट ही नजर आ रहे हैं बट क्वार्टरली बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NPA बढ़ते हुए काफी नजर आ रहे हैं। तो NPAs किसी भी बैंक के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रख के, बाकी हम इसमें इस बैंक में सलाह देते नहीं है कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए, तो बड़े बड़े बैंकों में ही इन्वेस्ट करिए। इसके अलावा बात करें DCB बैंक, ये भी काफ़ी पॉपुलर बैंक हुआ है, इन करोड़्स में रिजल्ट है और काफ़ी लोगों के अकाउंट में ये होगा, ऑब्वियसली बात है आप पोर्टफोलियो में ये शेयर होगा। अगर बात करते हैं टोटल इनकम की तो टोटल इनकम यहाँ पर देख सकते हैं 971 करोड़ रुपए का यहाँ पर इस बार की टोटल इनकम है, इससे पहले 1023 था, इससे पहले की बात करें 1011। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों वाइज यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया है टोटल इनकम, बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फ्लैट ही कह सकते हैं कि फ्लैट ही है, 30-40 करोड़ रुपये का यहाँ थोड़ा बहुत अंतर है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंडिचर है एक्सक्लूडिंग प्रोविजन एंड प्रोविजन वगैरह सब कुछ खत्म होने के बाद 765 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हुआ है, इससे पहले 776, इससे पहले 799। तो यहाँ पर एक्सपेंस के मामले में कंपनी ईयरली वाइज कम किया है बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर फिर एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रोविजन भी करके रख रखा है 205 करोड़ रुपये का, इससे पहले 277 था, इससे पहले 212 करोड़ का यहाँ पर प्रोविजन था। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 77 करोड़ रुपये का प्रॉफिट होता हुआ नजर रहा है, इससे पहले 96 करोड़ का प्रॉफिट था और इससे पहले की बात करें 68। तो ईयरली वाइज यहां पर जंप है बट क्वार्टरली वाइज यहां पर थोड़ा बहुत गिरावट नजर आ रही है। और अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं इनके EPS की तो 2.51 रुपए का EPS है, इससे पहले 3 रुपए का, इससे पहले 2.22 रुपए का EPS था। तो सेम कहानी इसी तरीके से है। तो NPA की बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देख लीजिए ग्रॉस NPA यहां पर देखते हैं परसेंटेज में तो 4% का यहां पर NPA है, इससे पहले 1.96 था। तो ये क्वार्टरली वाइज क्या बढ़ता हुआ नजर आया है, तो ऐसी NPA बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और ईयरली वाइज भी बात करें तो ईयरली वाइज भी यहाँ पर 2.46 से 4.09 होता हुआ नजर आया है ग्रॉस NPA। ऐसी नेट NPA भी यहाँ पर अगर देखें सेम सिचुएशन, यहाँ पर क्वार्टरली वाइज ये बढ़ता हुआ नजर आया और ईयरली वाइज भी बढ़ता हुआ नजर आया है। तो थोड़ा इस बैंक से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा, DCB बैंक इसका नाम है। इसके अलावा बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर बंधन बैंक। बंधन बैंक आपने देखा है किस तरीके से गिरावट हुई थी 2 दिन पहले, कल की डेट में फ्लैट ही क्लोज हुआ था। बात करें इसका, इसने डिविडेंड देता हुआ नज़र आया है और इसके जिस तरीके के रिजल्ट है ओके, इस बैंक को डिविडेंड देना नहीं चाहिए था। तो अगर बात करें 1 रुपये का डिविडेंड दिया आई थिंक, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड 1 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। और बड़े बड़े बैंक डिविडेंड नहीं दे रहे बट अगर बात करें बंधन बैंक की तो ये डिविडेंड देता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर सब कुछ नज़र आएगा, ये इस बार के ये लास्ट क्वार्टर के Q4 के रिजल्ट है लास्ट ईयर के। अगर बात करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम ओके, यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम 2,57,000 यहाँ पर नज़र आ रहा है इंटरेस्ट इनकम लैक्स इन रुपीज़, इससे पहले 2.90 था, इससे पहले 2.46 था। ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है बट क्वार्टरली वाइज गिरावट है अच्छी खासी। अगर हम बात टोटल इनकम की बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ रिजर्व बैंक में अलग अलग इनकम है जो कि यहाँ पर नज़र आती है। अदर इनकम की अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो 3,78,791 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम है, इससे पहले 3,86 था, इससे पहले बात करें लास्ट Q4 की तो 3,34,647 था। तो ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है
बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर फ्लैट कह सकते हैं या थोड़ी बहुत गिरावट कह सकते हैं। एंड अगर बात करें एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस यहाँ पर देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर है 2,05,000 के यहाँ पर एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं। इससे पहले 1,94,000 था और इससे पहले 1,82,000। तो ईयरली और क्वार्टरली वाइज यहाँ एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और एक्सपेंस बढ़ना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती। अगर बात करें प्रोविजनिंग की, तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छी खासी प्रोविजनिंग भी करी है, 1,59,000 की यहाँ पर प्रोविजन करते हुए नजर आई है लैक्सिन रुपीज़। इससे पहले 1,06,000 था, इससे पहले 82,000 था। तो प्रोविजनिंग ईयरली और क्वार्टरली वाइज यहाँ बढ़ती हुई नजर आई है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 10,303 ओके यहाँ पर लैक्सिन रुपीज़ का प्रॉफिट है। इससे पहले 63,259 लैक्सिन रुपीज़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 51। तो अगर बात करते हैं क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट है। क्यों गिरावट है? जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने प्रोविजनिंग ज़्यादा करी है, एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा होते हुए नजर आया है। तो इस वजह से यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। प्रोविजनिंग क्यों करी है? तो यहाँ पर ये जो कंपनी बिलोंग करती है, ये बैंक जो बिलोंग करती है, ये एक्चुअली हमारे ईस्ट की तरफ, जो हमारा ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया इन द सेंस मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश के टाइम की, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो हमारा ईस्ट में जितने भी स्टेट पड़ते हैं इंडिया में, उनका मतलब पश्चिम बंगाल की बात कर ले, असम वगैरह की बात कर ले, वहाँ पर ज़्यादा है। और एमएसएमई में ये लोन ज़्यादा देते हुए नज़र आते हैं, मतलब छोटे छोटे लोगों को। तो जैसे जैसे बिजनेस एक बार चलेंगे, कोविड की सिचुएशन ओवर होगी, तो इनके एनपीए मेरे ख्याल से कम होते हुए नजर आएंगे। इस बैंक पे आप भरोसा कर सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो 9% की ज़्यादा की हिस्सेदारी इनके पास भी है। तो ये धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड रिकवर कर लेंगे, तो अच्छा बैंक है। बट चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं है और जिस तरीके की ग्रोथ ये दिखा रहा है, प्रोविजनिंग यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ये सब चीज़ एक बार मैटर करता है। बस यही और प्रॉब्लम है। इस अगर बात करें यहाँ पर ईपीएस की, ईपीएस 64 पैसे का है, इससे पहले 3 रुपये का था, इससे पहले 3 रुपये 21 पैसे का। तो ईपीएस में भी अच्छी खासी गिरावट है। ग्रॉस एनपीए अगर बात करें परसेंटेज की फॉर्म में या फिर टोटल बात कर लेते हो, तो 5,74,775 लैक्सिन रुपीज़ का यहाँ पर रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ईपीएस बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर बात करें यहाँ पर परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ईपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 6.81 ग्रॉस एनपीए, इससे पहले 1.11%, इससे पहले 1.48%। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज दोनों में ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर बात कर लेते हैं नेट एनपीए की, यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर नेट एनपीए भी बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इस ये एक चिंता की विषय है। बट बाकी अगर बात करें इस यहाँ पर इन शेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बिजनेस में लोन दे रखे हैं इन्होंने, एमएसएमई जो कहते हैं, छोटे छोटे जो कारोबारी होते हैं उन्हें भी यहाँ पर लोन देता हुआ नजर आया है। तो सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ नजर आ जाएगा फ्यूचर में, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी बैंक अच्छा है, 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे तो लगता है कि विश्वास करना चाहिए, बट आपके पास इससे भी बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, लाइक बात करें HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, जिन्होंने अच्छे खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और आपको कौन सा बैंक अच्छा लगा, किसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो आप अपने भी बताइए कि आपको इस बैंक में इन्वेस्टेड है, नीचे कमेंट करिए, ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियो बना सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास आते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।